एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा ने विपक्ष पर तंज कसा है। मोहसिन रजा का कहना है कि विपक्ष का चेहरा सबके सामने आ गया है। नेतृत्व में आज एटीएस काम कर रही है, पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, तो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं उत्तर प्रदेश की। आप मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस सेना पर भरोसा नहीं करती, आतंकियों पर भरोसा करेंगे आप? आपके विचारधारा सामने आई, आपके सांसद ने जवाब दिया है। अब यह कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये उनका अपना विचार है, ये समाजवादी पार्टी का विचार है, विपक्ष का विचार है, ये आपकी विचारधारा है आतंक के साथ जाने की। तो अब उत्तर प्रदेश और देश की जनता आपको देख चुकी है, आपका मुखौटा सामने आ चुका है। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल का कहना है कि ऐसे बयान देने वाले लोगों को जेल भेजना चाहिए। वहीं दारुल उलूम फरंगी महली के प्रवक्ता सुफियान निजामी का कहना है कि तालिबान की हिमायत करने में पहले हमें भारत की तालिबान को लेकर क्या पॉलिसी है ये देखना होगा। राजभर ने केवल महाराजा सोहेल देव का ही नहीं, बल्कि इन्होंने जितना राजभर समाज है और साथ ही साथ देश का अपमान किया है। सलार मसूद गाजी एक मुसलमान आतंकवादी था जो हिंदुओं को का कत्लेआम किया, उनको मुसलमान बनाया, और जब वो कत्लेआम करता हुआ धर्मांतरण कराता हुआ बहराइच में आया तो इसका मुकाबला किया महाराजा सोहेल देव जो राजभर समाज के थे। कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका के अपने ज़ाती मफाद शामिल थे, और आज जब अमेरिका के अपने ज़ाती मफाद हल हो गए तो उसने अफ़गानिस्तान को अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज बुलाकर वहाँ से अपनी दस्तबरदारी को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी हुकूमत को जो हमारे हिंदुस्तानी भाई अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश करनी चाहिए, और वहाँ पर किस तरीके की हुकूमत कायम हो रही है, किस तरीके की हुकूमत कायम नहीं हो रही है, इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। तालिबान का समर्थन करने वालों पर सूफी इस्लामी बोर्ड के राष्ट्रीय सचिव ने तंज कसा है, और उन्होंने कहा है, वारिश का कहना है कि जो लोग तालिबान का समर्थन करते हैं उन्हें हवाई जहाज पर बैठा कर अफगानिस्तान छोड़ देना चाहिए। देखिए, डॉक्टर बर्फ साहब राजनीतिक आदमी है, क्या बोल रहे हैं उनका ईमान जाने, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में जो ऐसे लोग हैं जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं उन्हें हिंदुस्तान में नहीं रोका जाए। सरकार एक हवाई जहाज का इंतजाम करे और ऐसे लोगों को फौरन उन्हें उसमें डाले और अफगानिस्तान छुड़वा दें, वो अफगानिस्तान में जाके अपना काम करें। अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक सदस्य द्वारा तारीफ करने पर विवाद खड़ा हो गया। अब AIMPLB ने खुद इस पूरे मामले पर सामने आकर सफाई दी है। संगठन ने इसका पूरा ठीकरा मीडिया पर ही फोड़ दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तालिबान और अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कुछ मीडिया चैनल बोर्ड के कुछ सदस्यों की निजी राय को बोर्ड का स्टैंड मानकर गलत बात पर बोर्ड को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये बात पत्रकारिता मूल्यों के विपरीत है। अफगानिस्तान में बदले हालात का असर अब कानपुर के कारोबारियों पर भी पड़ने लगा है। तालिबान के कब्जे के बाद वहां से आयात होने वाला ड्राई फ्रूट्स भी सप्लाई प्रभावित हो गई है। कई कारोबारियों का मानना है कि इसका असर आम लोगों पर भी पड़ेगा। अफगानिस्तान में मची अफरा तफरी से आयात सुचारू नहीं हो पा रहा है और इस वजह से कई जगहों पर ड्राई फ्रूट्स के दाम बढ़ने लगे हैं। कोरोना के कारण ड्राई फ्रूट्स के सबसे बड़े बाजार कानपुर के नयागंज मंडी प्रभावित रही थी। इस दौरान सभी काम पड़ गए थे। थोक के अलावा ड्राई फ्रूट्स के खुदरा बाजार पर भी इसका असर पड़ रहा था। कारोबारियों के अनुसार पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से कारोबार प्रभावित रहा है। वह अफगानिस्तान के हालात को लेकर खासकर त्योहारों और आम जनता के बजट पर भी असर देखने को मिल रहा है। टोक्यो ओलंपिक में शानदार खेल दिखाने वाले खिलाड़ियों को योगी सरकार आज सम्मानित करने जा रही है। खिलाड़ियों के सम्मान में लखनऊ के एकाना स्टेडियम में भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। दोपहर 2:30 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में खिलाड़ियों के साथ कोच भी सम्मानित किए जाएंगे।
टोक्यो ओलंपिक में भारत का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का सम्मान यूपी सरकार करेगी कल इकाना स्टेडियम में, और इसके लिए इकाना स्टेडियम में तैयारियां जो हैं युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। सामने स्टेज बन रहा है जहां पर मुख्यमंत्री के साथ तमाम मेडलिस्ट यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सम्मान के साथ ही नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को। नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपये दिया जाएगा, जबकि जिन खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल जीता है उन्हें 1.5 करोड़ रुपये मिलेंगे, और जिन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है उन्हें 1 करोड़ रुपये मिलेगा। और महिला हॉकी टीम जो कि 4th नंबर पर रही थी उसके सभी खिलाड़ी यहाँ मौजूद रहेंगे, और उन सबको 50-50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। जिन खिलाड़ियों ने 4th स्थान हासिल किया है ओलंपिक में उन सभी को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश भर से यहां पर 75 खिलाड़ी बुलाए गए, हर जिले से 75 खिलाड़ी आएंगे, यानी कि कल 5,000 से ज्यादा यहां पर खिलाड़ी मौजूद रहेंगे जो ओलंपियन को सम्मानित होते हुए देखेंगे। और ये जो स्टैंड बना हुआ है 5,000 से ज़्यादा यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद रहेंगे, वो सब इस स्टैंड में बैठेंगे, और इस स्टैंड के सामने बने जो स्टेज है वहाँ पर खिलाड़ियों को जब सम्मानित किया जाएगा तो उन्हें देखेंगे और उनसे प्रेरणा हासिल करेंगे। यूपी सरकार का साफ कहना है कि खिलाड़ियों ने भारत का मान बढ़ाया है तो उनका सम्मान करना सरकारों का काम है, और इसीलिए इन तमाम खिलाड़ियों को कल लखनऊ में सम्मानित किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुफिकान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ 8 लखनऊ। तो इकाना स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम को लेकर यूपी के खेल मंत्री से बात की हमारे संवाददाता अनिल यादव ने। ओलंपिक में भारत का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का सम्मान यूपी सरकार करेगी, तमाम जितने भी मेडलिस्ट हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा, नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खेल मंत्री आए हुए हैं, इकाना स्टेडियम हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बड़ा यूपी सरकार का ये इनिशिएटिव है कि खिलाड़ियों का मान सम्मान किया जा रहा है। सर, बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर या उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि जो उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के हमारे खिलाड़ियों ने जो ओलंपिक में जा कर के दुनिया के मानचित्र पे जो हिंदुस्तान के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया है, तो वैसे लोगों का सम्मान आज उत्तर प्रदेश की सरकार करने जा रही है, और वही कार्यक्रम कल है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। जो देश के जितने भी खिलाड़ी पदक जीत करके आए हैं उनका सबका सम्मान कल होगा, और यह ऐतिहासिक पल होगा हम उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और हम सब के लिए, और विशेष रूप से खेल विभाग के लिए। सर, हर जिले से 75 खिलाड़ी बुलाए गए हैं, मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी प्रेरणा हासिल करें इन ओलंपियन से, मेडल जीतने वालों से। खेल विभाग की तरफ से 75, युवा कल्याण विभाग से 50, प्रत्येक जनपद से 125 की संख्या में हमारे खिलाड़ी आ रहे हैं, और खिलाड़ियों को भी लाने के पीछे कारण यही है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश और देश के जो खिलाड़ी गए हैं ओलंपिक में खेलने के लिए, जो पदक जीत करके आए हैं, जो उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम किया जाएगा और जिस तरीके से उनका सम्मान बढ़ाया जाएगा, तो निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक पल होगा। वीडियो सुभी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ 8 लखनऊ।